नमस्कार, मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। मैं सानिया जैन हाजिर हूँ 5 PM शो लेकर, जिसमें हम बात करते हैं बड़ी सुर्खियों के बारे में। राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यों के पास औसतन 5.5 दिन के आसपास का वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। आंध्र प्रदेश में 2 दिन तो बिहार में 1 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक है। 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की अपील की थी। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है, ये उत्सव का समय नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट करना सही है। केंद्र सरकार को राज्यों से पक्षपात किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ये लोग अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से यूपी जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। जनरल डिब्बों में तो लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। पुणे और नागपुर में भी यही हालत है। ये ट्रेनें सुपर स्प्रेडर बन सकती हैं और संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। LTT स्टेशन पर ट्रेनों के जनरल डिब्बे में क्षमता से दोगुने लोग नजर आए। ज्यादातर का चेहरा मास्क या कपड़े से ढका हुआ था, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन स्थितियों में असंभव है। सीटों और फ्लोर पर जगह नहीं मिली तो लोग छतों पर चादर बांध कर बैठ गए हैं। अमेरिका के टेक्सास के ब्रायन शहर के एक पार्क में सितरे ने खुलेआम गोलीबारी कर दी। पार्क में बैठे एक शख्स की इसमें मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। ये गोलीबारी उस वक्त हुई जब पार्क में बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की यह घटना ब्रायन शहर के इंडस्ट्रियल पार्क में हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक हमला करने वाला कैंट मूल कैबिनेट्स का कर्मचारी है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। पश्चिम बंगाल में 4वें चरण के चुनाव से 1 दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला हुआ है। शुक्रवार को दक्षिण कोलकाता में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने TMC कार्यकर्ताओं पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने कोलकाता पहुंचे। उन्होंने कहा, बंगाल चुनाव के 3 चरणों में भाजपा को लोगों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है। हमारा अनुमान है कि भाजपा इन 3 चरणों में बंगाल में 63 से 68% सीटें जीत जाएगी। जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। यहां एक मस्जिद में छिपे 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अब तक मार गिराया है। अब आसपास के पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी हो गया है। पुलिस ने पहले आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था। उन्होंने समझाने के लिए स्थानीय इनाम और एक आतंकी के भाई को मस्जिद के अंदर भेजा गया था, लेकिन आतंकी नहीं माने। कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।